फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी यूनिक ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सभापति, और इस टॉपिक को हम बहुत इजीली और ट्रिक के साथ याद करेंगे। जहां पर आपको ट्रिक्स की आवश्यकता होगी वहां पर हम आपको ट्रिक्स की सहायता से याद कराएंगे, और जहां पर आपको रिलेट कराने की आवश्यकता होगी वहां पर आपको रिलेट करा के याद कराएंगे। फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी सब कुछ पहले से ही नोट करके रखा हुआ, जिससे कि वीडियो लंबी ना हो और आपका समय भी बच जाए। हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश का संपूर्ण कोर्स ट्रिक्स के साथ में कराया जा रहा है। अगर आप यह कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की ओर। यह है विधान परिषद सभापति के नाम और यह है उनका कार्यकाल। इसमें हमने कुछ नाम को हाईलाइट किया हुआ है, मोस्टली हमें इन्हीं नाम पर फोकस करना है। एक बार इन सभी के नाम और इनके कार्यकाल को जान लेते हैं, जानेंगे हम इसमें कुछ फैक्ट्स और उसके बाद हम जानेंगे ट्रिक्स। ये हैं श्री चंद्रभाल, जो प्रथम विधान परिषद सभापति हैं और इनका कार्यकाल है 26 जनवरी 1950 से 6 मई 1958। श्री निजामुद्दीन, 6 मई 1958 से 19 जुलाई 1958। श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर, 20 जुलाई 1958 से 5 मई 1964। श्री दरबारी लाल शर्मा, 6 मई 1964 से 4 अगस्त 1964। फिर से दरबारी लाल शर्मा, 5 अगस्त 1964 से 5 मई 1968। फिर से दरबारी लाल शर्मा है, 6 मई 1968 से 1 मार्च 1969। श्री वीरेंद्र स्वरूप, 2 मार्च 1969 से 14 मार्च 1969। फिर से वीरेंद्र स्वरूप है, 15 मार्च 1969 से 5 मई 1974। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, 6 मई 1974 से 10 जून 1974। श्री वीरेंद्र स्वरूप, 11 जून 1974 से 26 फरवरी 1980। श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल, 18 जून 1980 से 5 अक्टूबर 1980। श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल, 6 अक्टूबर 1980 से 5 मई 1982। श्री शिव प्रसाद गुप्त, 6 मई 1982 से 2 मार्च 1983। श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल, 3 मार्च 1983 से 5 मई 1980। श्री जगदीश चंद्र दीक्षित, 6 मई 1980 से 5 अप्रैल 1989। फिर से श्री जगदीश चंद्र, 6 अप्रैल 1989 से 7 मार्च 1990। श्री शिव प्रसाद गुप्त, 13 मार्च 1990 से 8 अप्रैल 1990। फिर से ये 9 अप्रैल 1990 से 4 जुलाई 1990। फिर से ये 5 जुलाई 1990 से 6 जुलाई 1992। श्री नित्यानंद स्वामी, 7 जुलाई 1992 से 9 मई 1996। फिर से ये 23 मई 1996 से 23 अप्रैल 1997। फिर से ये 24 अप्रैल 1997 से 8 नवंबर 2000। श्री ओम प्रकाश शर्मा, 17 नवंबर 2000 से 5 मई 2002। श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, 6 मई 2002 से 2 अगस्त 2004। श्री चौधरी सुखराम सिंह यादव, 3 अगस्त 2004 से 15 जून 2010। श्री कमलाकांत गौतम, 16 जनवरी 2010 से 20 जनवरी 2010। श्री गणेश शंकर पांडे, 21 जनवरी 2010 से 15 जनवरी 2016। श्री ओम प्रकाश शर्मा, 16 जनवरी 2016 से 10 मार्च 2016। श्री रमेश यादव, 11 मार्च 2016 से 30 जनवरी 2021। श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, 31 जनवरी 2021 से अभी वर्तमान में ये अपने पद पर कार्यरत हैं। चलिए जान लेते हैं इसमें कुछ फैक्ट्स। श्री चंद्रभाल यह उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के प्रथम सभापति रहे हैं और यह सर्वाधिक समय तक सभापति के पद पर कार्यरत रहे हैं। इनका जन्म 20 सितंबर 1894 को हुआ था और इनका निधन 20 अप्रैल 1966 को हुआ था। यह श्री शिव प्रसाद गुप्त, यह सर्वाधिक 4 बार उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सभापति के पद पर कार्यरत रहे हैं, सर्वाधिक 4 बार। इनका जन्म 8 सितंबर 1914 को हुआ था और इनका निधन 8 अगस्त 2003 को हुआ है। यह श्री कमलाकांत गौतम, यह सबसे कम समय तक उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सभापति के पद पर कार्यरत रहे हैं, सबसे कम समय तक। श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, यह वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सभापति के पद पर कार्यरत हैं। ये थे कुछ फैक्ट्स, अब आगे बढ़ते हैं अपनी ट्रिक की ओर। चीनी रद देवी व देवी वीवी शिव जज सीसी सीनी नीनी ओ
मासूक गाओ रमा चीनी रद देवी वा देवी वीवी शिव जज सीसी सीनी नीनी ओ मासूक गाओ रमा ची से हो गया चंद्रभाल, नी से हो गया निजामुद्दीन, र से हो गया रघुनाथ, विनायक, ये हो गया धुलेकर। द से हो गया दरबारी लाल शर्मा, फिर से इस द से हो गया दरबारी लाल शर्मा, और फिर से इस द से हो गया दरबारी लाल शर्मा। वी, वी से हो गया वीरेंद्र स्वरूप, इस वा से हो गया फिर से वीरेंद्र स्वरूप, इस द से हो गया देवेंद्र प्रताप सिंह, व से हो गया वीरेंद्र प्रताप स्वरूप, इस वो इसे हो गया वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल, इस वी से हो गया फिर से वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल। सी से हो गया शिव प्रसाद गुप्त, वा से हो गया वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल। ज से हो गया जगदीश चंद्र दीक्षित, इस ज से हो गया फिर से जगदीश चंद्र दीक्षित। इस सी से हो गया शिव प्रसाद गुप्त, इसी से हो गया फिर से शिव प्रसाद गुप्त, और इसी से हो गया फिर से शिव प्रसाद गुप्त। इस नी से हो गया नित्यानंद स्वामी, इस नी से फिर से नित्यानंद स्वामी, और इस नी से भी नित्यानंद स्वामी। ओ से हो गया ओम प्रकाश शर्मा। मां से हो गया कुंवर मानवेंद्र सिंह। सू से हो गया चौधरी सुखराम सिंह यादव। क से हो गया कमलाकांत गौतम, इस ग से हो गया गणेश शंकर पांडे। ओ से हो गया ओम
प्रकाश शर्मा र से हो गया, रमेश यादव माँ से हो गया, कुंवर मानवेंद्र सिंह। देखिए इस ट्रिक को कैसे याद रखना है। सपोज कीजिए यह जज हैं, शिव नाम के एक जज हैं। जज कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम अभी यहाँ पर बताएंगे आपको। ये शिव नाम के जज हैं, सपोज कीजिए यह कोर्ट के जज हैं, ठीक है, और इनका नाम शिव है। तो यहाँ पर ये बीवी, ठीक है, बीवी, ये बीवी है। तो सपोज कीजिए जैसे कोई कोर्ट में गवाही दे रहा है और किसी की बीवी के बारे में ऐसे बोल रहा है कि उनके सामने चीनी तो रद हैं, चीनी मतलब चाइनीज, चीनी रद हैं, वो देवी है देवी, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। तो ऐसे ही चीनी रद देवी व देवी, ठीक है। अभी सपोज कीजिए कोई कंपटीशन चल रहा है और उस कंपटीशन में भी जज बैठे रहते हैं, आपको मालूम है। तो उस कंपटीशन में एक निनी नाम की लड़की है, तो उस निनी को बोला गया है कि एक बोतल है, उस बोतल को क्या करना है, सुई से सिलना है। बोतल मतलब सीसी, सीसी भी बोलते हैं ना बोतल को, सीसी सीनी है नीनी, सीसी सीनी नीनी, तो सीसी को सीना है नीनी, ठीक है, सीसी सीनी नीनी। सपोज कीजिए तीसरे जज जो हैं, एक ऑडिशन चल रहा है सिंगर का, तो वहाँ पर जज है वो एक रमा नाम की लड़की है। रमा नाम की लड़की को बोला गया है सॉन्ग सुनाने के लिए, तो उनको कौन सा सॉन्ग सुनाना है, ओ मासूक। उनको बोला गया है कि एक सॉन्ग सुनाइए ओ मासूक वाला, ओ मासूक गाओ रमा, ओ मासूक गाओ रमा। तो रमा को बोला गया है एक सॉन्ग गाने के लिए, कौन से वाला, ओ मासूक, ओ मासूक गाओ रमा। इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो यहाँ से यहाँ तक है वीवी तक, उसके बाद ये सीसी से नीनी तक, और यहाँ ओ से रमा तक, ये तीन पार्ट हो गए। बीच में ये यहाँ पर शिव नाम के जज हैं जो वीवी के बाद आते हैं, चीनी रद देवी व देवी, वीवी शिव जज, सीसी सीनी नीनी, ओ मासूक गाओ रमा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। हमारी यह ट्रिक्स पूरी हुई। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स हमारे चैनल पर यूपी का संपूर्ण कोर्स ट्रिक के साथ में कराया जा रहा है। यदि आपको यह कोर्स करना है तो आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।